अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़्ल करम से मुझे मारिया को और सलमान को ये तौफीक हासिल हो रही है कि हम उम्रा की सादत हासिल करने के लिए रवाना हो रहे हैं और इस वक्त जहाज़ में मौजूद हैं। मेरे एक दोस्त को जब ये पता चला कि मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और वो सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहने लगे कि उम्रा पर आप जा रहे हैं तो आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी ख़ास दुआ है जो आप वहाँ जाकर मांगना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे अर्ज़ किया कि मैं तो शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ उस मालिक का, उस खालिक का जिसने इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। मैं अगर अपनी लाइफ को पलट के देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि उसकी इतनी नेमतें हैं, इतनी मेहरबानियाँ हैं कि एक एक का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता, न कर पाया हूँ। ये उसकी बड़ी ख़ास मेहरबानी है हम सारे इंसानों पर कि वो हमें नेमतों से नवाजता रहता है, मेहरबानी करता रहता है। और हम इंसान ही ना शुक्रे हैं, हम बहुत दफ़ा उसकी बेशुमार नेमतों के होते हुए भी उनको कैलकुलेट नहीं करते, उस तरफ नज़र नहीं डालते और हम महरूमी के उस एहसास में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये बात शेयर करते हुए मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप सब जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, अपनी प्रेजेंस से मेरे साथ अपने ताल्लुक का इजहार करते हैं, आप मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं आपके लिए ख़ास दुआ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को, आपके अहले खाना को, हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना दे। और आप सब के लिए ख़ास दुआ ये होगी कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी बेहतरीन नेमतों, बरकतों, रहमतों से नवाजे। अगर कोई ख़ास दुआ जो आपके दिल में, आपके जहन में हो और आप कहना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं जैसे वक्त मिलेगा, मौका होगा, मैं ज़रूर उसे गो थ्रू करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपनी ख़ास दुआओं में आप भी ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।